अपना एक कमाता है, एक आधा दिन तो खाता है पीता है बस, उसी में समझ लो ना, किसी से शाम को लफड़ा हुआ है ना कुछ हुआ है। अचानक में सुबह में हम लोग जागे, चाहे वो पीने गए तो लोग हालांकि ये कि भाई वकील चौधरी के उधर में समझ लो मौत हो गया, कोई मार दिया है। गोल लगातनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। बक्सर के नदाव गांव में मजदूर के ठिकाना लगा दिहल गई। गांव के गली में घायल अवस्था में पुलिस के मिलल इलाज के दौरान कहानी खत्म हो गई। कपार को धारदार हथियार से कैल बटुए वार। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। परियम से लेकर के साथे साथे चौकीदार के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल को नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो कर ली। देखला के बाद शेयर जरूर करी। का जमाना आ गई बटुए, आदमी घास भूसा हो गई बटुए। ऐसने ही खबर के देखला के बाद रोरा समझ में आई। बक्सर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नदाओं गाँव में एगो मजदूर के ठिकाना लगावे के मामला सामने आई बा। सूचना पे पहुंचल पुलिस के द्वारा गांव के गली से घायल अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती करावल गए, जहां इलाज के कुछ ही मिनट में डॉक्टर के द्वारा मुअल घोषित कर दिया गए। पुलिस के मानल जाओ तो मजदूर के कपार पर धारदार हथियार से वार कर गई बा। हालांकि ये घटना के अंजाम काहे या के दिलस एकर जाँच में पुलिस जुटल दिया। बुध के सुबह 10 बजे मुअल देह के पोस्टमार्टम खातिर भेजल गई। पुलिस परिजन से पूछताछ कर रहल बी। घटना मंगर के देर रात के बतावल जा रहल बा। बतावल गई कि नदाओं गांव निवासी 48 वर्षीय वकील चौहान दशहरा के राति खा घर से खाना खैला के बाद निकल रहन, लेकिन रात करीब 3 बजे के आसपास पुलिस के सूचना घर के भिड़ी गली में घायल अवस्था में पड़ल होके के मिलल। सूचना पे पहुँचल पुलिस मजदूर वकील चौहान के हॉस्पिटल पहुँचेलस, लेकिन इलाज के दौरान इनकर कहानी खत्म हो गई। पुलिस के मानल जाओ तो वकील चौहान के मार के लेटा दिहल गई बा। कहे से कि जौना जगह पे लेटावल गई रहे वहीजा खून के छीटा ना रहे। हालांकि पुलिस मामला के जांच के बाद कह रहा दिया वहीजे हत्या के बाद गांव में चर्चा के बाजार गरम बा। एगो स्थानीय लोग के मानल जाओ तो केहू से जमीन के बकाया पैसा के लेन देन में घटना के अंजाम दिहल बटुए। लंबा समय से पैसा के लेन देन के लेके विवाद चलत रहल है। ओहिजे संबंध में DSP धीरज कुमार फोन पे जानकारी देत बतैनी कि एगो व्यक्ति के मुअल देह बरामद भइल बा। मुअल देह के कब्जा में लेके पोस्टमार्टम खातिर भेज दिहल गइल बटुए। पुलिस जौन बा पूरा मामला के अनुसंधान कर रहल बिया। ओहिजे थाना प्रभारी राहुल कुमार बतैनी कि मुए वाला के कपार पे गंभीर वार कइल गइल बा। मुआवल कहीं और गइल बटुए, देह कहीं और फेंकल गइल बा। घटना स्थल पर ना तो मुअल देह के आसपास कहीं खून नजर आई आ ना ही इस तरह के कोनो कुछ दिखाई पड़ल। यहाँ के कहत नहीं कि जल्दी है मामला के पूरी तरह से उद्भेदन कर दिहल जाए, लेकिन सवाल यह उठ रहा बटुए कि मानवता कहाँ चल गई बटुए। कहल गई बटुए कि जर जोरू जमीन तीन गो ऐसा चीज हटुए जौन कि आदमी के दुश्मन बना देता है। कहीं जमीन खातिर लोग मार दिहल जाता रहन आ कहीं मेहरारू खातिर ठिकाना लगा दिया जाता है। अब पुलिस के जांच के विषय बटुए। अच्छा, आपके गांव का एक सौ आया है वकील चौहान का, क्या लग रहा है कि हत्या है या किसी रोग से ग्रसित है वो? हत्या है सर, वो रोग से नहीं है। उसको मार कर फेंक दिया गया उधर में। कहाँ फेंक दिया गया था? जगदीशपुर के आस पास में फेंका गया है, सुनने में पोखरा के समीप में, गली में नहीं, रास्ता पर कच्ची रास्ता है वहीं पर सुता दिया गया है उसको। क्या करते थे? वो मजदूरी कर रहा था, अपना पेट चला रहा था। उसको कोई नहीं था। घर परिवार में कौन कौन है इनके? घर परिवार में समझने की कोई नहीं है, उसका बीवी बच्चा कोई नहीं है, भाई है तो सब अपना अपना काम में रहता है, उसे कोई मतलब नहीं रहता है। अपना एक कमाता है, एक आधा दिन तो खाता है पीता है बस, उसी में समझ लो ना किसी से शाम को लफड़ा हुआ है ना कुछ हुआ है। अचानक में सुबह में हम लोग जागे, चाहे उठने गए तो लोग हालांकि ये कि भाई वकील चौधरी के उधर में समझ लो मौत हो गया, कोई मार दिया है, मार कर उधर सुला दिया है। आप लोग कब सूचना मिली? हमको सुबह में 6 बजे सूचना मिला। अच्छा, आप लोग वहाँ जब पहुँचे तो क्या आप लोगों ने पाया? पहुँचा देखे तो हम लोग बहुत मुँह से ब्लड आ रहा था, कान फट गया है पूरा, लग रहा है कि सर पे कोई चीज से हमला किया गया है। तो फिर आप लोग इस बात की सूचना किसको दिए? हम लोग अपने गाँव के मुखिया के सूचना दिए, मुखिया
पुलिस प्रशासन को सूचना दिया, उसके बाद सदर अस्पताल में लेके आए, अपना इलाज के दौरान। अच्छा, इलाज जब तक चला तब तक जिंदा थे? हाँ, थोड़ा देर तक जिंदा थे, वहाँ इस हॉस्पिटल में ले गए तो 10-15 मिनट जिंदा थे, तब तक इलाज के दौरान ही मौत हो गई। इलाज के दौरान ही मौत। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा अजय कुमार चौहान। अच्छा, आपके वो क्या लगते थे? हमारा उसे तो रिश्ता में ससुर लगता था, ससुर के भाई था। अच्छा, हमको ये बताइए कि जब ये शव मिला हुआ था तो आप वहाँ फ्रंट पे पहुँचे हुए थे, आपने क्या देखा वहाँ पर? उसको गिरा हुआ देखा। हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाए, वो सर कहे कि अब यहाँ से हम लोग लेकर के चलते हैं, हम जा रहे हैं वहाँ से, तो चलिए सदर हॉस्पिटल वहीं पर रहते हुआ तो हम। अच्छा, वहाँ पे आपको सूचना कैसे मिला था? सूचना तो ग्रामीणों में दिन में तो हल्ला हो ही नहीं जाता है। ग्रामीण सूचना आप ही को दिए थे कि पहले थाना को दिए थे? पहले तो हमको ऐसे सूचना मिला, लेकिन थाना पर भी सूचना चला गया, हम भी बोले। ठीक है, तो थाना से बड़ा बाबू आपको सूचना दिए कि जाकर देखने के लिए? कौन सी? बड़ा बाबू सूचना दिया आपको देखने के लिए, जाकर देखिए क्या हुआ है वहाँ पर? हाँ, बड़ा बाबू खुद वहाँ मौजूद थे, हमको भी पहुँचने के लिए बोल दिए। हाँ। चाहे छोटो बाबू बोले, भी बोले तुम्हारी, हम कि सर हल्ला गुल्ला तो कुछ नहीं है, तो नहीं जाकर तो देखेंगे, अपना भोर का ही सब समस्या है। तो क्या लग रहा है कि हत्या है या फिर अपने आप ही गिर के? लोग ये कह रहे हैं कि इसका हार्ट हेमरेज हो गया है, डॉक्टर साहब यही बोल रहे हैं। अच्छा, हार्ट अटैक आया हुआ है इसलिए कि ब्रेन हेमरेज? हाँ, ब्रेन हेमरेज, कान से और नाक से भी इसका खून बह रहा है। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम तफदार सुरेंद्र तिवारी पड़ेगा। पूरा नाम? सुरेंद्र तिवारी। सुरेंद्र तिवारी जी, धन्यवाद।